हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिलैक्सेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने डी बाय हकल थ्योरी डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड ये जो है टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो रिलैक्सेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। पहला रिलैक्सेशन इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या होता है? द आयनिक एटमोसफियर ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द सेंट्रल आयन बिकम्स अनसिमेट्रिकल। दिस इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द आयन इज कॉल्ड असिमेट्रिक इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट। मतलब क्या है, जो आयनिक एटमॉस्फेयर में होगा, मतलब जब आयनिक एटमॉस्फेयर, जैसे कि हमने डी बाय हकल थ्योरी में डिस्कस किया था, ये आयनिक एटमॉस्फेयर है। मतलब अगर माइनस दो जो आयन्स मिलके आयनिक एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं, तो रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है, जो सेंट्रल आयन होता है, अगर सेंट्रल आयन में गति होता है, तो ये आयन जो होता है अनसिमेट्रिकल हो जाता है, मतलब संगति विहीन हो जाता है। ये जो है इसका जो जो जिस तरीके से जमा होता है उस हिसाब से नहीं होता है। ये जब मोशन स्टार्ट होता है तो सभी जो है बिखर जाते हैं, सभी आयन जो है मतलब जिस तरीके से जमा हुआ है उस तरह नहीं रहते हैं, ये बिखर जाते हैं। तो उसका प्रभाव क्या होता है, जो उस इफेक्ट का प्रभाव होता है कि जो सेंट्रल आयन का वेलोसिटी होता है, जो वेग होता है, वो चेंज हो जाता है, या तो डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर सेंट्रल मेटल आयन के मोशन के कारण जो बाकी आयन्स के वेलोसिटी अगर डिक्रीज या इंक्रीज होता है, उसमें चेंज आता है, तो उस इफेक्ट को रिलैक्सेशन इफेक्ट कहा जाता है। मतलब आयनिक एटमॉस्फेयर में ही ये रिलैक्सेशन इफेक्ट जो होता है होता है, ठीक है। मतलब डी बाय हकल थ्योरी हमने आयनिक एटमॉस्फेयर से ही रिलेटेड है, तो उस का दो इफेक्ट पड़ता है उसी एटमॉस्फेयर पर। तो पहला रिलैक्सेशन इफेक्ट, मतलब इसके पहला ये है कि उसके सेंट्रल आयन के उसके मोशन के कारण, उसके गति के कारण अनसिमेट्रिकल हो जाता है। तो इस इफेक्ट को जो है पहला रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं। दूसरा इफेक्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए। ईच आयन इज एसोसिएट विद सम मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आयन्स स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। मतलब क्या है, हर एक आयन जो, अगर कोई भी आयन है सॉल्वेंट में, तो वे मॉलिक्यूल के साथ जो है जुड़े रहते हैं, एसोसिएट विद सम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें डाला जाता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो द आयन्स मूविंग टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। मतलब अगर कोई भी सॉल्वेंट है, उसमें हम जैसे कि कुछ भी सॉल्वेंट है, कुछ जैसे कि हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसमें आयन्स में परिवर्तित होंगे और वे जो होते हैं मॉलिक्यूल के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो जो जैसे कि अगर प्लस आयन है तो अपोजिटली चार्ज माइनस आयन की ओर मूव करेंगे, और माइनस आयन है तो पॉजिटिव आयन की चार्ज की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो अपोजिटली चार्ज आयन की ओर मूव करते हैं हर एक आयन्स। तो इसी कारण क्या होता है, विच कॉज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये किसके कारण होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण ये प्रभाव उत्पन्न होता है। अतः द वेलोसिटी ऑफ द आयन्स, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी पर भी, इसमें भी वेलोसिटी आयन्स के वेलोसिटी वेग पर प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है, आयन्स जो है डिक्रीज, वेलोसिटी जो है आयन्स का डिक्रीज हो जाता है, और ये इफेक्ट क्या कहलाता है, नोन एज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहलाता है। बहुत ही सिंपल दोनों कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर हमारा जो आयनिक एटमॉस्फेयर में ये आयन्स में किस प्रकार चेंजेस होते हैं, उसके कारण क्या इफेक्ट आता है, रिलैक्सेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहा जाता है। इसका एक और छोटा सा थ्योरी है कि डी बाय हकल फाउंड दैट दिस इफेक्ट वेयर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक अकॉर्डिंग टू दैम। उन्होंने एक फार्मूला दिया था डी बाय हकल ने ये दोनों इफेक्ट को समझाने के लिए, लेमडा वी इक्वल टू लेमडा लेमडा अनंत माइनस के सी 1/2, ठीक है। मतलब ये वही है, डी बाय एंड हकल फाउंड दैट बोथ दिस प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों इफेक्ट होते हैं वे होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द कंसेंट्रेशन, ठीक है, के इक्वल कॉन्सेंट। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है दोनों इफेक्ट के लिए, जैसे डी बाय एंड हकल ने दिया था
और बस यही है रिलैक्सेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे हम डिस्कस करेंगे डीबाय हकल ओनसागर इक्वेशंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।